आठ चीजें हर मर्द औरत में चाहता है। मैं जानता हूँ अक्सर औरतें पुरानी चीजों और पुराने फैशन को पसंद करती हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड की रवायत भी अपनी जगह, नई चीजें पुरानी चीजों की अब भी जगह नहीं ले रही। इसलिए औरत के लिए जरूरी नहीं कि वो बहुत खूबसूरत हो या फैशन करती हो। औरत में जो बात सबसे अहम है वो है उसकी कशिश। ये कशिश मर्द के लिए ज्यादा फाल किरदार अदा करती है। इस मामले में आपकी रहनुमाई और इसका हुसूल इस वीडियो में बताया जाएगा जो मर्द औरत में ढूंढते हैं। इसलिए इस वीडियो में आप खवातीन के लिए आठ चीजों का इश्तराक करेंगे। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहली चीज, जाहिरी शक्ल और सूरत। बेवकूफ ना बने, आप बखूबी जानती हैं कि जो चीज दुनिया में काबिल कदर है वो उसकी शख्सियत है, लेकिन पहली नजर में शख्सियत सामने नहीं आती। आप भले सादा हों, असल चीज है किसी की तवज्जो हासिल करना। मुनासिब कपड़े, बने हुए बालों के साथ मुस्कुराहट आपको दिलकश बनाती है। आपकी यही खूबसूरती आपकी कशिश में इजाफे का सबब बन सकती है। दूसरी चीज, अपने आप पर भरोसा रखें। खुद से मोहब्बत सलामती की हवा को फरोग देती है कि आप दुनिया में अपनी अपनों की लड़ाई लड़ने और जीतने आए हैं, और ये बात आपको बहुत खूबसूरत बनाती है। मैं नहीं जानता, लेकिन शायद आपने ये जुमला सुना होगा कि रोशनी रोशनी और तारीकी तारीकी को अपनी जानिब रागिब करती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में आप पर एतमाद करने वाला आदमी चाहती हैं तो अभी जो कहा वो करें। तीसरी चीज, नाउम्मीद कभी ना हो। उम्मीद रखना आपको मरीज होने से बचाती है। ये सच है कि हर लम्हा खुश रहना इंसान के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप मुस्बत रवैया रख सकती हैं जो आपको मुश्किलात से लड़ने में मदद देगा। इस तरह हिम्मत बंधी रहती है। चौथी चीज, तासुरात पर काबू रखें। इश्तियाल अंगेजी यानी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। इस तरह से ऐसी आदतें जो मर्द के मिजाज के खिलाफ हों से बचने की कोशिश करें। ये ऐसे आमाल हैं जिन्हें ना अपनाने से घर का माहौल भी खराब होता है और ताल्लुकात में दूरी या अलीहदगी भी हो सकती है। पांचवी चीज, उसूल बनाए कदर भराए। ये हकीकत है कि किरदार और पुख्तगी का होना आपको पुरकशिश बनाता है, लेकिन आप इसमें इजाफा कर सकते हैं, जैसे तफरीहात में शामिल होना, दूसरों का ख्याल रखना, हर एक से ईमानदार रहना और अच्छे अच्छे काम करना औरत को मर्द की नजर में रंगीन बना देता है। छठी चीज, अपनी सलाहियतों में इजाफा करें। जरूरी नहीं कि औरत मर्द की तरह हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक औरत हैं तो अपने दिफा पर ही जोर दें। आप अपनी सलाहियतों में इजाफा घर में भी कर सकती हैं। अच्छा खाना बनाना, घर का इंतजाम संभालना इसमें शामिल है। सातवीं चीज, आजाद रहें। अपने हाथों अपने काम करना औरत को मजबूत बनाता है। ये आज के दौर की भी जरूरत है। खुलकर अपने मशागिल में दिलचस्पी लें, इसी तरह अपने ख्यालात का इजहार भी खुलकर करें। इससे पुख्तगी आती है जो औरत को मर्द से जोड़ कर रखती है। आठवीं चीज, अपने इल्म अपनी मालूमात में इजाफा करें। हर चीज खूबसूरत नहीं होती। अगर आप चाहती है कि मर्द आपकी कदर करे तो जो आप सोचती हैं उसका इजहार करें। इस तरीके से बात करने का फन आता है। अगर आपको किसी चीज की मालूमात नहीं है तो बिला झिझक पूछें। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे बाखबर रहें, लेकिन झमेले से दूर रहें। किसी बात की मालूमात रखना औरत को मर्द की नजर में दिलचस्प रखता है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।